बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ के इस नारे की तर्ज पर एक और स्लोगन सामने आया है, ना बटेंगे ना हटेंगे। ये नारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आया है, इसका सृजन एक छात्र आंदोलन से हुआ है। कौन सा आंदोलन? पहले ये तस्वीरें देखिए। कभी लाठियों के बल खदेड़े जा रहे तो कभी मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर सरकार को अपनी एकता का सबूत देने वाले ये लोग कौन हैं? ये लोग हैं UPPCS यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की PCS और RO/ARO की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी जो प्रयागराज में जुटे हैं। लेकिन किस लिए? दरअसल मामला हम आपको संक्षेप में समझाते हैं। 5 नवंबर के दिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS प्रीलिम्स 2024 और RO/ARO प्रीलिम्स 2023 की परीक्षाओं को 2 दिनों में 2 शिफ्ट में कराने का फैसला किया। PCS की प्रीलिम्स परीक्षा 7 और 8 जबकि RO/ARO की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को रखी गई है। इसके साथ ही आयोग ने परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का रूल भी लागू किया है। आसान भाषा में समझें तो एक ही एग्ज़ाम अलग अलग दिन होंगे तो उसके लिए अलग अलग प्रश्न पत्र होंगे। इसमें ज़्यादा संभावना है कि एक के मुकाबले दूसरा प्रश्न पत्र कठिन हो। इसी अंतर को पाटने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसका उद्देश्य है कि अलग अलग प्रश्न पत्र होने के कारण किसी छात्र को फायदा या नुकसान ना हो। छात्रों का आरोप है कि सरकार ने ये जो प्रक्रिया अपनाई है वो साइंटिफिक नहीं है और इसी प्रक्रिया के विरोध में अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए हैं। आज 11 नवंबर को परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने धरने पर बैठ गए। छात्रों का कहना है कि जब तक आयोग इस फैसले को वापस नहीं लेता तब तक धरना जारी रहेगा। छात्रों के इस आंदोलन का स्वरूप अब बड़ा होता जा रहा है। अभ्यर्थी अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए ना बटेंगे ना हटेंगे नारे का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रयागराज में मौजूद दी लल्लन टॉप की टीम ने अभ्यर्थियों से इस नारे के बारे में बात की। सुनिए उन्होंने क्या बताया। प्रयागराज के लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर भी गूंज रहा है और पैम्पलेट आप देख पाएंगे, पैम्पलेट में अगर ऊपर प्रशांत दिखाएंगे यहाँ पे, इसमें दिखा दीजिए कि लिखा है छात्र एकता ना बटेंगे ना हटेंगे। हालांकि अभी तक राजनीतिक पार्टियां इस नारे को काउंटर कर रहे थे, अब छात्र इसे काउंटर कर रहे हैं और छात्रों ने नारा दिया है ना बटेंगे ना हटेंगे। मेरे पीछे जो ये शोर आ रहा है लोगों का है, लोग नाराज हैं, ये इंतज़ार कर रहे थे सुबह से कि लोक सेवा आयोग से कोई आएगा, प्रतिनिधि आएगा जो इनकी बात सुनेगा, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। नहीं, संयुक्त सचिव स्तर पे आए थे परंतु उन्होंने का कमेटी बनाने की मांग की, बोली बात, परंतु छात्रों ने एक सिरे से नकार दिया है। हमारी सिर्फ एक मांग है कि 1 शिफ्ट 1 एग्जाम नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए और जब तक ये मांग रहना चाहिए 1 दिन 10 दिन 1 महीना अगर बात होगी तब भी लड़ेंगे, पर हमारी मांग मानी जाए तभी हम हटेंगे यहाँ से। एक आपका नाम क्या है? सत्यम कुशवाहा मेरा नाम है, मैं इलाहाबाद में शिक्षा देता हूँ। सत्यम जी, एक नारा ये चल रहा है आप भी देख सकते हैं, ना बटेंगे ना हटेंगे, योगी जी का नारा था। देखिए छात्र बटने वाला नहीं, छात्र अपने हक अधिकार के लिए, आप सोचेंगे कि UPSC का है PCS का है बट जाएगा, पर छात्र बटने वाला नहीं है। छात्र चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र हो, चाहे प्रयागराज का छात्र हो, चाहे दिल्ली में जो छात्र पढ़ाई कर रहा है, चाहे बनारस में कर रहा है, पूरे देश के छात्र एकजुट होकर UPPCS और उत्तर लोक सेवा आयोग जो संजय श्रीनेत जो मनमानी कर रहे हैं, योगी सरकार जो मनमानी कर रही है, इसके खिलाफ बटने वाले नहीं और लड़ाई लड़ के रहेंगे जब तक हमारी मांग नहीं मानी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जेल भेज दीजिए, मुकदमा लिख दीजिए, फांसी चढ़ा दीजिए, पर छात्र पिछड़ने वाला नहीं है, अपनी जीत लेके रहेगा। इस नारे से आप सहमत हैं, ना बटेंगे ना हटेंगे? सर बिल्कुल सहमत है, ना बटेंगे और सर बिना नोटिस लिए हटेंगे भी नहीं। एक नारा आप भी दे रहे थे। हाँ, ना बटेंगे ना हटेंगे और जब तक आयोग के अध्यक्ष बाहर आके लिखित नोटिस नहीं दे देते तब तक हम लोग लोक सेवा आयोग के सामने सटे रहेंगे और सब लोग एकत्रित होकर के बिल्कुल रात हो दिन हो हम लोग आते जाते रहेंगे, पूरी संख्या ऐसे ही मेंटेन रहेगी जब तक ये हम लोग की मांग नहीं मान लेते। क्या शुभ नाम है आप? अमित यादव, सुल्तानपुर से। आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं? जी, मैं तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए मैं कहूँगा कि जो इस समय चल रहा है बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ सुबह से हैं, मौजूद हैं, हम लोग एक हैं और हम लोग जीतेंगे तभी यहाँ से जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले हम लोग एक बार और आंदोलन किए थे लेकिन हम लोग को साधना देकर हटा दिया गया था, लेकिन इस बार जब तक हमारी मांग को पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं।
एक सेकंड, एक सेकंड, वो फोन फोन दिखाएगा, ये प्रशांत देखेंगे, उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया, इसे सीधा कर लीजिए। जिस नारे का हम जिक्र कर रहे थे जो पैम्पलेट पे था, वो लोगों ने फोन के, इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, ये हम लोग का अधिकार है, ना बटेंगे ना हटेंगे, जब तक पूरा सिस्टम यहाँ नहीं सुधर जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे भी नहीं। मुहिम आप लोगों ने शुरू करी है ये पैम्पलेट? हाँ, विद्यार्थियों की मुहिम है, हम लोगों की मुहिम है, ये विद्यार्थियों की मुहिम है, इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं है। और हम लोग ये चाहते हैं कि चाहे यूपी पुलिस का विद्यार्थी हो, चाहे दरोगा का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे आरओ का हो, सभी लोग एक साथ रहेंगे, एक सभी के सभी, जब तक न्याय नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग साथ रहेंगे। यूपी पीसीएस और आरओ की परीक्षा को लेकर चल रहे प्रदर्शन की हर बड़ी जानकारी दी लल्लन टॉप आप तक पहुंचा रहा है। इस मामले से जुड़ी रिपोर्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप हमें सुझाव कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। बाकी देश दुनिया की बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब 3 दिनों में मिलेंगे। तारीख है 22, 23 और 24 नवंबर, जगह है दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और मौका है लल्लन टॉप के सालाना जलसे का, यानी लल्लन टॉप अड्डे का। पर सवाल क्या है, दिलरुबा इतनी हसीन क्यों है, मम्मी कैसी हैं, ब्राउन रंग किसने लिखा और गाड़े कहाँ थे? आइए और देश और दुनिया की नामचीन हस्तियों से मिलिए, उनसे अपने हिस्से के सवाल पूछिए और कहकहों में और ज्ञान की रोशनी में सराबोर हो जाइए, क्योंकि ये है लल्लन टॉप का सालाना अड्डा। और इस अड्डे का हिस्सा बनने के लिए आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन dillallantop.com पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर। 499 रुपये मात्र में 3 दिनों का पास आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा और फिर होगी भरपूर मौज, क्योंकि नाम है हमारा लल्लन टॉप।